अगर आप लोग हिमाचल से हो ना तो ऐसी बिजनेस डील लेके आया हूँ दोस्तों कि आप सब लोग पैसा कमाने वाले हो अगर मेरी बात मान गए तो और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई किया है हमारे यहाँ पे है ना जो काम वगैरह करते हैं घर में रहते हैं है ना बहुत अंटियां अम्मा जिनके पास कमाने का कोई आ, मतलब परस्पेक्टिव नहीं है बट हाँ जी गुड मॉर्निंग दोस्तों क्या हाल वेलकम बैक टू माई न्यू तो सुबह के लगभग दस बजे का टाइम हो रहा है अभी तक आप देख सकते हो बिस्तर में लेटा हूं मैं एंड यहाँ पे अपनी पूरी टीम बैठी हुई है भाई सारे के सारे लोग हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो दोस्तों अभी सुबह लाइट चली गई है तो इसकी वजह से अभी कोई काम नहीं कर सकते फिलहाल यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अभी जैसे दोस्तों बिस्तर छोड़ने ही वाला था उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते की लाइट भी पहुंच गई है तो सोच रहा हूँ की कुछ काम कर लेता हूँ टेलीग्राम पे सुबह सुबह प्रधान साहब पहुंच गए यहाँ पे हां जी प्रधान साहब बोलो क्या बोलना क्या सुनना चाहते हो क्या चेक करने आये यहाँ कुछ कान में खुजली सुनने के लिए <laughs> <laughs> सुबह रोज सुनाती है यार मम्मी यहाँ पे आके आगे तो बोले कुछ लग रहा है मेरे पास सुबह से कुछ नहीं बोल रहा है मम्मी मैं देखो इतना प्यारा बच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा समझ रहे हो ना तो मैंने कहीं बोला की माड़ा है तो तू तो फिर मेरे को क्यों आके यहाँ पे सुन रहा तुम्हें तो बोल रहा है बोले क्यों बोलना चाहते बोल कर हैं कान खुजली कुछ सुनने के लगी अभी भाई आप देखेंगे अरे पर धूप यहाँ पे लगी नहीं है बट सामने वाले पहाड़ पे धूप लग चुकी है एंड मम्मी ने मुझे अभी सुबह सुबह भेज दिया भाई आपको बता कि पापा को ना गए हुए चार साल हो गए तो ऐसे में चार साल के बाद चौक जो आती है ना दोस्तों तो उसके लिए सामान जो है हम धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं कभी चावल ले आते हैं कभी तेल ले आते हैं क्योंकि आप देखो यहां पे मौसम ऐसा होता है कि कभी भी बर्फ पड़ सकती है तो ऐसे में सामान जितना हो सके उतना एडवांस में इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ के लोग फिर भले वो कोई फंक्शन करवाना हो या फिर अपने खुद के लिए रहने के लिए हो तो ये समझ लो कि मैं भी धीरे धीरे एडवांस जो इकट्ठा कर रहा हूँ कल इसके लिए नई बैटरी लेके आए थे तो देखो आज ये प्रॉपर अच्छे से लॉक अनलॉक हो रही है कि अभी ये कोई भी परेशान नहीं करती है भाई और मेरे यहाँ पे पास वाली जो मार्केट है दोस्तों उस तक मुझे पहुंचने में लगते हैं सिर्फ और सिर्फ दस मिनट एंड होम स्टे में जो कस्टमर आ रखे हैं भाई भी कुछ सामान मंगाया मैंने कहा चलो लेके आता हूँ बट आपको बता है थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी को चल हो जा स्टार्ट हो स्टार्ट देखो तेल जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कल मैं फुल करवा के लाया था इसके पीछे का रीजन है जब भी लाइट जाए ना जब भी लाइट जाएगी भाई मेरे पास गाड़ी अगर मेरी एक बार हो जाती है स्टार्ट जैसे की हो गई है तो उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ से मैं मोबाइल वगैरह चार्जिंग कर लूंगा एंड आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूंगा फिलहाल करण भाई का कर भी वेट कर रहा हूँ देखो वो आ रहा है भाई बंदा उतर के सामने से वो देख रहे हो भालू भी ऐसे दिखते हैं भाई ध्यान से देखने पड़ते हैं झाड़ियों आज की डेट में दोस्तों तो मार्केट आया था थोड़ा सा टाइम था ऐसे में वाटर फॉल पे आ गया मैंने कहा यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए रील्स ही बना देता हूँ गाना तो आपकी प्यार की वजह से वायरल हो ही रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पे डांस किया अभी सांस जो थोड़ी फूली फूली आपको लग भी रही होगी और पता नहीं मेरी आवाज यहाँ पे अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही बट सच बता रहा हूँ अभी देख सकते हैं आप पानी कम है बट ये वाटरफॉल हमेशा जब भी आओ ना भाई मतलब दिल खुश कर देता है हमेशा हैप्पीनेस मिलती है और अभी भी ठंड का टाइम है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई यहाँ पे ठीक है नॉर्मल है क्योंकि अगर आप अरे परे परे देखेंगे ना तो ये जो नाला है वो प्रॉपरली कवर है पहाड़ों से इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ठंडी हवा का बिल्कुल भी आना जाना होता नहीं है बस आपको ऊपर से जो पानी गिर रहा है उससे थोड़ा अगर बच गए आप तो फिर भाई आपके यहाँ पे मजे मजे तो फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे बैठ भी रहे एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में डांस भी कर रहे हैं कान जरूर लगती है दोस्तों लेकिन काम जो है ना वो आपका भाई कर देता है डन मम्मी को खुश करने वाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्याज की बोरी है इसमें आटा है इसमें चावल है ये सारा का सारा राशन जो है ना आप देख सकते हैं तेल का कैन वगैरह धीरे धीरे लाल आके इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जिस टाइम पे फंक्शन होगा अगर उस टाइम पे बर्फ भी गिरी होगी ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और दोस्तों ये तो घर के काम होते हैं आपको पता है घर में रहना तो ये करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ऑनलाइन मैंने कुछ बड़ा सोचा है जिसमें कि ना आप सभी लोग भी पैसे कमाए अगर आप लोग हिमाचल से हो ना तो ऐसी बिजनेस डील लेके आया हूँ दोस्तों कि आप सब लोग पैसा कमाने वाले हो अगर मेरी बात मान गए तो और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई वीडियो को देखते रहो बस आपको काम करवाना है और देखो मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअल में मेरी सोच क्या है दोस्तों ठीक है आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस जो वो करता रहता हूँ किसी में लॉस होते हैं कोई बंद हो गए कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चलेंगे खैर लाइफ में आप डाउन आ जाते हैं मैं डरता नहीं हूँ भाई ठीक है लॉस से भी किसी भी चीज़ से मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे में मुझे पता है कि कोशिश करती रहनी होगी तो ऐसे में दोस्तों अभी आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो मैंने एक जो है वो ऑनलाइन स्टोर बनाया है और जिसमें कि मेरी सोच है कि मैं हिमाचल के जो ट्रेडिशनल सारे के सारे होते हैं कपड़े या फिर टोपी होगी या फिर कोट आपने देखे होंगे पहनने वाले वो ही सेल करूँगा ओनली एंड दोस्तों इसके लिए मुझे जो है ना वो अगर आप लोग भी चाहते हैं सेल करना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मुझे अपना प्रोडक्ट आप भेज सकते हैं मैं क्या करूँगा ना दोस्तों आपको एक अच्छा सा प्राइस दे उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है आपके पास भाई देखो आपके घर में कोई सिस्टर होती है कितनी जॉबलेस लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे है ना जो काम वगैरह करते हैं घर में रहते हैं है ना बहुत अंटियाँ अम्मा जिनके पास कमाने का कोई आ, मतलब परस्पेक्टिव नहीं है बट वो मान के चलो कोई आ, ट्रेडिशनल जुराब बहुत अच्छी बनाता है या कोई ट्रेडिशनल स्वेटर बहुत अच्छी बनाता है हुडी बहुत अच्छी बनाता है तो वो सारे के सारे लोग दोस्तों मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर एंड मेरे को अगर मैं यहाँ से सबसे पहले तो दोस्तों क्योंकि हम अगर अपने स्टोर पर कोई चीज़ रखेंगे तो सी बात है चल वाला का नाम है तो भाई ऐसे मैं थोड़ा सा मैं सोचूँगा कि नाम खराब ना हो इसलिए पैसा कमाने की बात ना हो कोई भी चीज़ बेचेंगे क्वालिटी में बेचेंगे फिलहाल अभी जैसे मान के चलो मैंने ये वाली टोपी जो आप देख रहे हैं ये भी दोस्तों मेरे पास थोड़ी लोअर आप मान के सकते हो लोअर मॉडल है बट इससे हायर जो टोपी है वो आराम से आपको छे सौ पांच सौ छे सौ छ तक की ब्रांड बेचते हैं अगर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो कितने में आपको टोपी मिल जाती है बिल्कुल सही रेट में एंड देखो चीज भी ऐसी देंगे ना मतलब लोगों को आपको अगर बिलीव नहीं है देखो मान के चलो ये टोपी मैंने खोल के यहां पर रख दी है एंड देखो टोपियां क्या होती है ना दोस्तों मैक्सिमम नकली सी टोपियाँ होती है उनको ऐसे प्रेस करो तो वो दब जाती है बट ये ऐसा नहीं रहता है मैं इसके ऊपर आपको देखो वेट करके भी दिखा देता हूं देखो इतना मैंने वेट डाल दिया है अभी भी आप टोपी देख सकते हो स्टिल स्टैंड है तो इस तरह की कुछ दोस्तों मतलब क्वालिटी हो रहा फिर तो ऐसे लगता भी है कि यार नहीं हम पहाड़ी हैं कुछ तो अपना बना हुआ ब्रांड पहन रहे हैं तो देखो बिल्कुल टोपी को फर्क नहीं पड़ा तो इस तरह की टोपियां हैं दोस्तों तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना जो भी लोग मेरे को प्रोडक्ट भेजेंगे एक्चुअल मैं क्वालिटी चेक के लिए मैं अपनी एक टीम जो है वो रेडी कर रहा हूं जिसमें कि मुझे देखना होगा कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है क्या मैं उसे वेबसाइट पर बेच सकता हूँ या नहीं और जेन्युन जेनुअन प्राइस में सेल करेंगे अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं फेसबुक पर करूँगा बहुत सी चीज़ें मैंने आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रखी हैं बट मुझे आप लोग बताओ आप लोग क्या चाहते हो कि सच में ऐसा हो क्योंकि देखो ट्रेडिशनल चीज़ें आज की डेट में कितनी देखो टोपी कितना लोग पहनते हैं हमारे घर में कितने ट्रेडिशनल चीज़ें वापस आ गई हैं लोड, ओ, लोग जो ओल्ड फैशन फॉलो करने लगे हैं पुराने जो सूट आते थे उस तरह के तो मुझे आप लोगों ने बताना है एंड दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार एट द एंड उस जरूरतमंद तक पहुँच जाए जो कुछ मेहनत करके कुछ बनाता है भले भाई वो उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस हो जुराब हो कुछ भी हो टोपी हो कुछ भी जो बनाता है उसको ये वीडियो पहुंचा दो ताकि वो कांटेक्ट कर सके मुझसे और अपने जो प्रोडक्ट है मुझे भेजे और मैं जो है वो धीरे धीरे करके क्योंकि हमारी ऑडियंस है मैक्स बहुत से भाईचारे लोग हैं जो कि बाहर से भी हैं प्यार करते हैं हिमाचल के बाहर से भी है हिमाचल से भी है तो सबको भाई प्रोडक्ट लेने का मौका भी मिलेगा एंड जो बेचना चाहता है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है तो दोस्तों कमेंट में बताओ कि आपको ये मेरा बिजनेस आइडिया कैसा लगा है जिसमें कि हम क्वालिटी तो दमदार देंगे अपने स्टोर के ऊपर हिमाचल वाला डॉट इन वेबसाइट है दोस्तों कभी भी जाकर आप चेक कर सकते हो फिलहाल अभी दो ही टोपियाँ लिस्टेड है

कोको बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे मेरे को सबसे ज्यादा ये डाउट था मैंने कहा यार सिम्बा और कोको जब मिलेंगे ना कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि भाई ब्रोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था ना जरा भी पसंद नहीं करता था इसको और मेरे को लगा कि कहीं कोको भी ऐसा रिएक्ट ना करे बट शुक्र है कि कोको ने ऐसा कोई भी रिएक्ट नहीं करा फिलहाल यहाँ पे देखो सब चीजें गाय बछड़े लोग सब धूप सेकने आते हैं यहाँ पे क्योंकि यही वो गांव का किनारा है जहां से वो वहाँ पे धूप निकली है और वहाँ पे गायब हो जाएगी और देखो सिंबा को मैं क्यों बोलता हूँ कि ये थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि देखो अभी भी अगर आप देखेंगे ना वो देखो उसके साथ वो देखो साइज भी नहीं देख रहा भाई अपना ठीक है हिम्मत देखो उसकी और वो उसको एग्रेसिव हो जाएगा देखना देखते देखते ये देखो 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 देखो, देखो, देखो भाई मतलब हिम्मत देख रहे हो इस बंदे की ये देखो ये पूरा इसके खेलने के चक्कर में और भाई वो थोड़ा सा टक्कर वगैरह मारेगी ना अगर थोड़ा सा भी वो डरता ही नहीं है भाई देखो वो कोको को, को भी लपेट देता है अभी छोटा है तो भी मतलब इतनी सी एज में अभी फोर्टी डेज का फोर्टी फाइव डेज का है समथिंग तो इतनी सी एज में भाई ठीक ठाक लड़ने लग गया है और आने वाले टाइम को आई होप कि अच्छा डॉगी बने मेरे को फाइटर डॉगी तो नहीं बनाना भाई तो अभी दोस्तों वापस से पहुंच गया हूँ रूम में एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वेबसाइट जो वो हमारी प्रॉपरली के रेडी हो चुकी है और भाई टोपियां ही टोपियां यहाँ पे दिख रही हैं जिनके ऊपर चल रहा है भाई मोटा है डिस्काउंट और इस प्राइस रेंज के साथ भाई देखो क्या दोस्तों

ठीक है थीके? कोई ताऊ चाचा या फिर खुद के लिए और देखो कि किस तरह से, मैं भी देखता हूं, आते मैं वहां से चाहते कुछ बनाते हैं वो ट्रेडिशनल तो वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन में कॉल करो तो टोपी दोस्तों आपको जरूर से मंगवानी आज देखते हैं कि कितनी टोपी है जो सेल होती है हमारी इस वीडियो के बाद वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा तो आपसे